भगवान विष्णु के वैकुंठ में पट कपाट दरवाजे खिड़की सब हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मलोक में कपाट खिड़की दरवाजे सब हैं। इंद्र के मंदिर में, इंद्रलोक में सब कुछ है। ब्रह्मलोक में दरवाजे हैं, वैकुंठ लोक में दरवाजे हैं, पर मेरे कैलाश पर जाकर देखना कोई दरवाजा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है सब जगह से। वैकुंठ में दरवाजा है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, शास्त्र को पढ़कर देखिए। वैकुंठ में दरवाजा मिलेगा, ब्रह्मलोक में दरवाजा मिलेगा, इंद्रलोक में दरवाजा मिलेगा, देवलोक में दरवाजा मिलेगा, पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के द्वार पर। तुम तो गंगा जी के घाट पर रहते हो, गंगा के घाट पर जाकर देखना, कहीं कहीं शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ, वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। ऐसे ही भोलेनाथ जी बैठे आराम से घाट पे, लोटा भरो डालो और जाओ, और लोग गंगा जी नहाने के वाले गीले कपड़े से लोटा भर भर के भगवान शंकर को चढ़ा चढ़ू के वो जा रहे। शंकर जी भी कह रहे ऐसी खुश रहो बस, आनंद हो, कोई दिक्कत नहीं, दिखावा मत करो बस, अड़भंगा है मेरा शिव। शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं घर की मां, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता, उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़ेगा। कई कई घर में तो बूढ़े माँ बाप हॉल में सोते हैं, हॉल में, कमरे में भी नहीं सोते। मेरे बच्चों को जरूरत पड़ गई तो बहुएं बाद में उठती है बच्चों की आवाज सुनकर, पर घर के बुजुर्ग पहले उठ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, बहू छोरा रो रहा है, बेटा बच्चा रो रहा है, छोरा बच्चा रो रहा है, उसकी कानों में, दादी के कानों में, दादा के कानों में, छोटे से बच्चे की भी आवाज, उसकी पायल की झनकार भी सुनाई दे जाती है कि मेरा पोता रो रहा है, मेरी पोती रो रही है, मेरा नाती रो रहा है, मेरा पंती रो रहा है। जरा विचार करिए, घर का बुजुर्ग है जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है, वो देवाधिदेव महादेव है, वो जगत का बाप है, जगत का पिता है, वो मेरा शंकर ओघड़ दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तुमने पुकारा और तुम्हारे सामने वो निश्चितता तुम्हारे सम्मुख में आ जाए, तुम्हारे सम्मुख में। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर। बोला जा रहा था, रात का समय था, रेलवे ट्रैक पार करना था, पार करते समय उसको नहीं मालूम कि सामने से ट्रेन आ रही है। अपनी मस्ती में भजन करता हुआ जा रहा, जनता चिल्ला रही ये मर जाएगा, सामने से ट्रेन आ रही है। ये कोई कथा पुरानी नहीं है, ये कथा इसी कली काल की है, काशी की है। जाते जाते ट्रैक पर भोला था थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, सामने से ट्रेन आ रही थी। सारे गांव के लोग कह रहे थे अब तो यंधा मर जाएगा, इतनी देर में कोई सांप, एक सर्प उसके पांव से लिपट गया और दोनों पांव को गांठ बना ली, भोला गिर गया, ट्रेन निकल गई। गांव के लोग देखते रह गए, गजब शिव भक्त था, गजब शिव, गजब शंकर किया। ट्रेन गई, सांप भी पांव से लिपटा हुआ, वो सर्प भी निकल कर चला गया, सर्प भी चले गया। किस रूप में मेरा महादेव आता है हमको नहीं मालूम पड़ा।